ईएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। नंद किशोर राय, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। नवीन कुमार, नॉर्थ ईस्ट। रवि कुमार, नॉर्थ ईस्ट। मोहम्मद शमशाद, नॉर्थ वेस्ट। राजेश कुमार, नॉर्थ वेस्ट। तरुण, डिस्ट्रिक्ट साउथ नॉर्थ। शेर सिंह, शेर सिंह, डिस्ट्रिक्ट साउथ। शुभान अंसारी, डिस्ट्रिक्ट साउथ। बाकी लोगों के भी पास प्रिंट करके और कंसर्न श्रमिक मित्र को हम लोगों ने दे दिया है। जब सब बस में बैठ जाएंगे तो बस में आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। मैम, माननीय एमएलए मैम कालका जी, जो स्टैंडिंग कमेटी और एजुकेशन की चेयरपर्सन भी है, से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और सभा को संबोधित करें। मंच पर बैठे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड के सेक्रेटरी हर्षिल, रिसर्च कंसल्टेंट, और यहां पर आए हमारे सारे निर्माण मजदूर भाइयों बहनों और हमारे श्रमिक मित्र साथियों को मेरा नमस्कार। आज इस बस पास की स्कीम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, और एक दिल्ली वासी होने के नाते मैं दिल्ली सरकार को धन्यवाद कहना चाहती हूं इस स्कीम की शुरुआत करने के लिए हमारे निर्माण मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि आखिरकार किसी शहर को, जो दिल्ली हम सबका शहर है, किसी शहर को कौन खड़ा करता है? किसी भी शहर को वहां के निर्माण मजदूर खड़ा करते हैं। मतलब एक शहर और गांव में शायद सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं जहां पे ऑफिस चलते हैं, 10-10, 20-20 मंजिलों के फ्लैट्स के अपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे पूरे देश से अलग अलग हिस्सों से लोग आके रहते हैं। और इस दिल्ली शहर को खड़ा करने में, इस दिल्ली शहर को शहर बनाने में हमारे निर्माण मजदूर भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जिन हाथों द्वारा सबसे ज्यादा मेहनत करी जाती है, दुख की बात यह है कि अक्सर सरकारों द्वारा उनके बारे में सोचा नहीं जाता। लेकिन ये दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की ऐसी सरकार रही है जिन्होंने, जो हम गांधी जी के एक तलस्मान की बात करते थे, मुझे याद है जब हम स्कूल में होते थे हर किताब में लिखा होता था कि उस आखिरी व्यक्ति के बारे में सोचिए, तो दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है वो शायद देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने अंतिम व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोचा है। तो चाहे फिर वो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था देना हो, चाहे हमारे घरों में बिजली की 24 घंटे सुविधा देना हो,
जीरो बिजली का बिल देना हो, पानी की सुविधा देनी हो, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हमारे लिए किया है। और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो श्रमिक मजदूरों के लिए कई तरह तरह की स्कीमें आई हैं, मुझे लगता है कि अक्सर जब स्कीमें बनती है ना तो लोगों में ये संवेदनशीलता नहीं रहती है कि जो एक श्रमिक मजदूर है, जो एक आखिरी व्यक्ति है, उसको कितनी दिक्कतें हैं। और यही कारण था कि शायद एक समय पे बहुत कम लोग श्रमिक मजदूर पोर्टल पर रजिस्टर करते थे। लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बार बार हर प्रोसेस को इतना आसान बनाने की बात हुई, उप मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ये बात कही कि भाई कोई भी एक भी एक्स्ट्रा कागज, एक भी एक्स्ट्रा चक्कर किसी भी निर्माण मजदूर का नहीं लगना चाहिए। अफसरों को चाहे डबल मेहनत करनी पड़े, चाहे दो दो बार जाना पड़े, लेकिन जो हमारे निर्माण मजदूर भाइयों और बहनों हैं उनको एक भी बार जो हमारे भाई बहन हैं उनको ज्यादा ना जाना पड़े। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि इतनी भारी मात्रा में आज बोर्ड के साथ लोग रजिस्टर्ड हैं। यही कारण है कि जैसे ही कोविड के लॉकडाउन हुए, तुरंत सबसे पहले दिल्ली सरकार ने निर्माण मजदूर भाइयों और बहनों को 5,000 रुपये देने का ऐलान किया और तुरंत सबके बैंक अकाउंट में घोषणा के कुछ ही दिनों बाद वो पैसे पहुंच भी गए। और आज इस बस पास की सुविधा के साथ मुझे लगता है कि ये एक और ऐसी शुरुआत है जो हमारे निर्माण मजदूर भाइयों और बहनों के लिए, आप लोगों के लिए जिंदगी में कुछ आसानी लाएगी, कुछ पैसे बचाएगी। मैं जो हमारे श्रमिक मित्रों की टीम है उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने भी पूरी दिल्ली में हमारे जो निर्माण मजदूर भाइयों और बहनों को जोड़ने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग वो ब्रिज बने रहेंगे जिसके माध्यम से दिल्ली सरकार की सारी स्कीमें हर निर्माण मजदूर तक पहुंचती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और आज के कार्यक्रम के बारे में मजदूर भाइयों से कुछ सुन। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन हमारी बहुत महत्वपूर्ण साथी योद्धा आतिशी जी, हमारे मजदूर विभाग श्रम विभाग के सचिव आईएएस अधिकारी राजेश जी, हमारे जो श्रमिक बोर्ड है उसके सचिव अरुण जी, साथ साथ इस पूरे कार्यक्रम को और दिल्ली में निर्माण मजदूरों के वेलफेयर के लिए दिन रात काम कर रहे हर्षिल जी, हमारे अधिकारीगण जो श्रमिक विभाग और साथ साथ मजदूर बोर्ड के अलग अलग पदों पर विराजमान हैं, और सभी मजदूर साथियों को, सबसे पहले तो मैं आप सबका यहाँ बहुत स्वागत करता हूँ और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद भी करता हूँ। अभी 3 दिन पहले ही विश्व मजदूर दिवस मनाया गया, आज आप यहां पधारे हैं तो उस अवसर पर मैं आप सबको मजदूर दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक शब्द यूज करते हैं कि ये मजदूर नहीं निर्माता है, इस देश का भाग्य विधाता है। उनके मार्गदर्शन में बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा देखा गया सपना, जिसके लिए उन्होंने संविधान बनाया कि सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को, जिनको कुदरत ने कम दिया हो उनको सरकार ज्यादा दे, ऐसा कायदा चलाना, ऐसी योजनाएं चलाना, इस तरह की व्यवस्था चलाना कि जिनको किसी भी कारण से कुदरत ने कम दिया उनको सरकार 4 कदम आगे बढ़ के ज्यादा करे, उनको सरकार ज्यादा दे, वैसी योजनाएं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, उनके बनाए संविधान को आगे बढ़ाते हुए और साथ साथ शहीद आजम भगत सिंह जी को, जिस सपने को देख के भगत सिंह जी जैसे लोगों ने 22-23 साल के लड़के फांसी पे झूल गए थे, उन्होंने कुर्बानी दी थी, उस जज्बे को आगे बढ़ाते हुए आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है। और आज उसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली में निर्माण स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों को आने जाने के लिए पैसा ना खर्च करना पड़े, इसके लिए सबको मुफ्त बस पास की सुविधा दी जा रही है।
सामान्यतः जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें हमारे यहाँ ना हिंदी में खासतौर से आम भाषा में मजदूर उसको समझते हैं फच्चर डाल दिया जाता है, कोई वो ठीक से ना करे काम। तो पहले ये सोचा कि भाई मजदूर हैं फ्री में बस पास दिया जा रहा है, तो उसमें ऐसा करते हैं सीरियसनेस आने के लिए ताकि कोई इधर उधर ना करे 100 रुपए मजदूर से ले लेते हैं। जैसे अभी मैं भाई से बात कर रहा था कितने रुपए खर्च करते हो, तो किसी ने बोला जी मैं 3000 रुपए खर्च करता हूँ बस पास पे, बस किराए पे। किसी ने बोला जी 1200 रुपए, किसी ने बोला 40-50-60-70 रुपए रोजाना खर्च होते हैं, किसी ने बोला कि जी 800 रुपए का पास बना रखा है। मैंने अभी ब्रीफली लोगों से पूछा तो कम से कम अगर पास भी बना रखा है तो 800-900 हजार रुपए तो खर्च होते ही हैं, तो आज इस पास की वजह से वो तो निश्चित रूप से बच जाएंगे। लेकिन ये योजना सोची गई कि भाई पहले जब 800 रुपए बच रहे हैं या 3000 रुपए बच रहे हैं तो 100 रुपए का पास मजदूर से भी डलवा लो 100 रुपए। फिर मैंने कहा क्यों डलवा लो यार, इस 100 रुपए के डलवाने के चक्कर में एक तो क्लर्क बिठाना पड़ेगा हर जगह, और वो अगर उसका अच्छा आदमी हुआ तो मजदूरों की सेवा करेगा, और अच्छा आदमी नहीं हुआ तो सेवा करवा लेगा। तो ऐसा सिस्टम ही क्यों बनाया जाए, अब 100 रुपए देने के चक्कर में मजदूर अगर 800 कहेगा तेरे तो 800 रुपए बच रहे हैं, लाख 500 रुपए 300 रुपए का तो फिर भी फायदा है, और मजदूर जाके लाइन में लगेगा कहेगा एक दिन की मजदूरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा 100 रुपए भी सरकार को नुकसान होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अगर सरकार को 100 रुपए का नुकसान होने से मजदूरों की जिंदगी में सम्मान आ रहा हो तो वो 100 रुपए का नुकसान सरकार को फायदेमंद ही है। तो ये फैसला ले लिया गया और आज सब मजदूरों के लिए ये सुविधा दी जा रही है। जिस जिस मजदूर साथी को, वैसे मैं देख रहा था आमतौर पर जब मजदूरों के हम कार्यक्रम करते हैं राजेश जी, तो सबसे ज्यादा महिला मजदूर होते हैं, लेकिन आज जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी ने योजना ही ऐसी बना रखी है कि महिलाएं तो चाहे वो कलेक्टर हो या मजदूर हो सबके लिए बस फ्री है। दिल्ली में आप चाहे निर्माण स्थल पे कलेक्टर हो, निर्माण स्थल पे काम करने वाली मजदूर हो, या उस निर्माण स्थल की मालकिन हो, मजदूर और मालकिन दोनों बस में जाएंगे तो केजरीवाल जी की सरकार दोनों को फ्री पास देती है महिलाओं के लिए, तो वहां उसकी जरूरत नहीं है। पुरुषों को जरूरत है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। आपको याद होगा जब जो लोग पुराने समय से दिल्ली में रह रहे हैं, पुराने मतलब 10-5 साल से कम रह रहे हैं, कि दिल्ली में पहले जो मजदूरी थी सरकारी कामों में भी 8-9 हजार रुपए की होती थी, केजरीवाल जी की सरकार ने आके उसको 15 हजार रुपए कराया कि मिनिमम 15-16 हजार रुपए। काफी लड़ाई लड़ी उसके लिए भी, बड़े बड़े लोग कोर्ट चले गए, ये बीजेपी वाले भी कोर्ट चले गए कि नहीं ये तो गलत कर रही है केजरीवाल सरकार, दिमाग खराब हो जाएगा सबका। हमने कहा दिमाग खराब नहीं हो जाएगा, जिंदगी ठीक हो जाएगी। तो कोर्ट में भी जाके लड़े, इनकी मजदूरों के बीच की यूनियन थी वो बीजेपी वालों की, वही जाके कोर्ट में खड़ी हो गई, नहीं नहीं इतनी मजदूरी नहीं देनी चाहिए। अब वैसे तो कहते थे मजदूर यूनियन है, वैसे जाके मजदूरों के खिलाफ चले गए कोर्ट में जाके खड़े हो गए। तो उनके खिलाफ भी लड़े जाके और वो पास कराया कानून। आज दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जिसको कहते हैं ना, सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी दिल्ली में मिल रही है मजदूरों को। और उसका फायदा ये हो रहा है कि वैसे तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी डंडा चलाते रहते हैं बीच बीच में राजेश जी और इनकी पूरी टीम यहां बैठी हुई है, पर सरकारी सेक्टर में तो कोई भी काम कर रहा है तो उसको तो न्यूनतम मजदूरी उतनी मिलनी मिलनी है, 15-16-17 हजार जो भी आज है। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो बहुत अच्छे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी पूरी मजदूरी देते हैं, जो थोड़े से कम है वो कम करते हैं, फिर उनके ऊपर पुश मारते हैं, आप जैसा कोई लोग कंप्लेन करता है फिर हम डंडा चलाते हैं तो फिर मजदूरी मिलने लगती है। तो पर अधिकार तो है और उस अधिकार पे आप लड़ तो सकते हो, लड़के खड़े होते हो तो फिर हम और सरकार और आप मिलके सब मिलके दिला तो देते हैं। तो ये भी दिल्ली में ही हो रहा है, कहीं और नहीं हो रहा। निर्माण मजदूर श्रमिक के लिए पैसा खूब आता है। मैं 2013 में जब पहली बार, याद है 49 दिन की सरकार बनाई थी आप लोगों ने, 49 दिन की सरकार में जब मैंने देखा, मैंने बजट देखा तो पता चला उस वक्त 1600 करोड़ रुपए होता था कि निर्माण मजदूरों का 1600 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। अब वो तो थोड़े दिन की सरकार बनी थी, मेरे पास एक फाइल आई
बोले जी मजदूरों के लिए पैसा है, मैं क्या कर रहे हो इसमें? तो कोई योजना वोजना तो थी, कागज पे तो लिखने के लिए बना रखी थी बहुत सारी, मैं कितने मजदूरों को फायदा मिला जी? 100 को इस योजना का मिला, 50 को इसका फायदा मिला, 200 का इसका मिला। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोले जी 10 लाख इसमें गए, 2 लाख इसमें गए, 3 लाख इसमें गए। मैं 1600 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ा होता है, कंप्यूटर मिल रहा है। बोले जी मजदूर अप्लाई नहीं करते। फिर मैंने पूछा कितने रजिस्टर्ड हैं? तो उस वक्त 50,000 मजदूर रजिस्टर थे कुल मिला के 2013 में। और मैंने कहा कि वो पिछले 4-5 साल में कहां कहां खर्च हुआ, आगे क्या क्या योजना है? तो खर्च होने में जो योजनाएं थी वो यही थी कि जी एक बड़ा गेस्ट हाउस बनाएंगे मजदूरों की ट्रेनिंग का, 50 करोड़ रुपए खर्च करके। मैंने कहा यार 50 करोड़ रुपए मजदूरों के हिस्से का खर्च करके गेस्ट हाउस बनाएंगे, उसमें कोई मजदूर तो रुकेगा नहीं जाके, कुछ मजदूरों के लिए ही करो। फिर दोबारा आप लोगों ने चुन लिया, सरकार बना दी 49 डेज के बाद वाली फुल फ्लेजेड। उसके बाद तो फिर आप देखो आज तक अब कितने 10 लाख हो गए, पूरी दिल्ली में 10 लाख मजदूर रजिस्टर हो गए। और देश के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा मजदूरों में बांटा गया है दिल्ली बोर्ड द्वारा। अरुण जी पिछले एक साल में कितना पैसा बांटा है लगभग आपने? 600 करोड़ रुपए मजदूरों में एक साल में बांट दिया गया, देश में कहीं किसी सरकार ने नहीं दिया। 10 लाख लोगों को कोविड के कारण जो नुकसान हुआ उसमें 5,000-5,000 रुपए दे दिए गए। फिर अभी जिनका जिक्र राजेश जी ने किया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं बना रखी हैं जिनका फायदा कभी मिलता ही नहीं था क्योंकि कागज पूरे पकड़ते करते ही हालत खराब हो जाती थी। पहले तो रजिस्ट्रेशन कराना ही नर्क होता था। पता नहीं आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो हो सकता है देखा हो, मैं पहुंचा था एक दिन सुबह सुबह है, उस दिन से बदलना शुरू हुआ है ना। उस दिन से पहले तो मजदूर निर्माण मजदूर अगर रजिस्ट्रेशन करने जाता था तो 4 बजे लाइन लगा के खड़ा होता था और उसके बाद बेचारा 10 बजे 11 बजे कोई अफसर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। फिर हार के बाहर एक दलाल आके चुपके से कहता था बाहर आ जा मैं करवा दूंगा, और कितने पैसे लेता था वो? 500-400 हजार रुपए तक लेता था और वो करवा देता था। 2-2 हजार तक लेता था, 2-2 हजार रुपए तक लेके वो करवाता था। लेकिन उस दिन जब मैं जाके सच में दिल दुखा मेरा कि यार 4:30 बजे किसी मजदूर को बुला लो और दिन भर उसका काम ना हो और फिर 2,000 रुपए में रिश्वत देके वो काम कराए रजिस्ट्रेशन के लिए और बाकी तो पूछो ही मत क्या होता है। तो उस दिन के बाद से फिर चीजें सुधारी, हमारी टीम बहुत शानदार बन गई है बोर्ड में। मैं बोर्ड के एक एक अधिकारी को आज अगर रजिस्ट्रेशन 10 लाख हुए तो ये मनीष सिसोदिया ने नहीं किए, उसके लिए हमारे बोर्ड के अधिकारी और हमारे श्रमिक मित्र इन्होंने खूब मेहनत की। आज दिल्ली में एक भी ऐसा लेबर चौक नहीं होगा जहां हमारे अधिकारियों और हमारे श्रमिक मित्रों ने जाके झंडे पकड़ पकड़ के बैनर लगा लगा के रजिस्ट्रेशन न करवाए हों, सारी जगह जाकर रजिस्ट्रेशन कराए। तो ऐसे होता है, काम करने के लिए पहले नीतियां बदलनी पड़ती हैं। आज नीति बदल गई तो 10 लाख लोगों को फायदा हो रहा है, नीति बदल गई तो आज 600 करोड़ रुपए किसी के बच्चे का, किसी का गर्भपात का, मतलब आपको पता नहीं, पूरी जानकारियां तो होंगी श्रमिक मित्रों को तो है ही सारी, लेकिन मजदूरों को मतलब सरकार ने इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं बना रखी हैं। लेकिन पता हो तो आज सरकार तैयार है, पहले यह था पता हो तो सरकार नहीं दलाल तैयार होता था, आज सरकार तैयार है आपको उसका सुविधा देने के लिए। बच्चे के जन्म पे लाभ मिलता है 30,000 रुपए का पहले 2 बच्चों पे। गर्भपात अगर गलती से किसी कुछ हो जाए, मिसहैपनिंग हो जाए किसी के परिवार में महिला को, तो उसमें 3,000 रुपए की तुरंत सहायता मिलती है, वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, शिक्षा सहायता बच्चों की 500 रुपए से लेकर 5,000 तक अलग अलग कैटेगरी में मिलती है, शादी के लिए लाभ मिलता है, मकान अगर खरीद रहे हो निर्माण कर रहे हो उसके लिए मिलता है, अगर गलती से विकलांग हो गए किसी कारणवश उसमें सहायता मिलती है, अगर स्थायी विकलांगता आ गई तो मिलती है, काम से जुड़े हुए औजार खरीदना चाहते हो उसके लिए भी 20,000 रुपए तक की सहायता मिलती है, अंतिम संस्कार अगर किसी का डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए की सहायता मिलती है, मजदूर के मृत्यु पे अलग अलग 2 लाख रुपए तक की 1-2 लाख रुपए की सहायता मिलती है, मेडिकल खर्चे के लिए मिलती है, परिवार के लिए जैसा राजेश जी ने बताया पेंशन मिलती है। तो ये सब में आज 10 लाख मजदूरों के बीच में 600 करोड़ रुपए अगर एक साल में दिए गए हैं तो आप मानोगे कि कहां कुल मिला के 10-15 लाख रुपए एक साल में दिए जाते थे और आज 600 करोड़ मिल रहे हैं तो लोगों तक ही तो पहुंचे हैं। और आज एक नई योजना शुरू कर दी, इसमें
कि सबको फ्री बस पास, अब आप आराम से कहीं भी जाओ, कहीं भी काम करो, ये नहीं सोचना पड़ेगा यार 1,000 रुपए की, 500 रुपए की, 800 रुपए की या 1,500 जो भी मजदूरी मिलती है, इतनी तो मजदूरी मिलेगी, अब उसमें से मान लो 100 रुपए पास में बस में लग गए तो कैसे काम होगा। तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा, आप आराम से मेहनत करें, अपना परिवार चलाएं, और इससे जो पैसा बचेगा अपने परिवार के लिए खर्च करो, और कुछ नहीं तो घुमाओ फिराओ उनको, चिड़ियाघर दिखाओ उनको, उनको कहीं खाना खिलाने ले जाओ, कुछ भी करो, लेकिन किसी आलतू फालतू चीज पे वैसे मत खर्च करना। बच्चों को घुमाने ले जाओ, बच्चों को अच्छे ड्रेस दिला दो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसे बर्बाद मत करना इस पैसे को। इसलिए बचाया ये पैसा कि जाके अपने परिवार की उन्नति पे खर्च करोगे, ठीक है ना। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। एक छोटी सी चीज, क्योंकि यहां बहुत मजदूर बैठे हैं, आप मुझे जो मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी में कई तरह के लोग हैं, मैं क्योंकि मजदूर जब सब कहते हैं तो फिल्मा वाला मजदूर एक तरह का होता है, पर सरकार के कानून के हिसाब से निर्माण स्थल पर काम करने वाले वेल्डर, मिस्त्री, बेलदार, कुली, पेंटर, फिटर, बढ़ई, लोहार, बिजली मिस्त्री, निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले लोग, गार्ड, बार विंडर, वाइंडर, कंक्रीट के मिक्सर, पॉलिश करने वाला, क्रेन चलाने वाला, पंप चलाने वाला, टाइल लगाने वाला, सब के सब मजदूर की श्रेणी में आते हैं। तो जब आप जाते हैं काम पे, इस सरकार अरविंद केजरीवाल आज की योजना से थोड़ा सा मेरे को भी समझने में मदद करो, बहुत लोगों से तो मेरी बात होती रहती है, पर यहां जो लोग बैठे हैं कहां से कहां जाते हैं कोई अपना बता दे, कहां से कहां जाते हैं रोज या महीने में कितना पैसा खर्च करते थे और वो कैसे बचेगा, आप कोई बताएंगे? हाँ बताइए। अच्छा, माइक ले लो, माइक ले लो एक बार, वो आ गया पीछे से आपके भाई। हाँ क्या कह रहे हैं? मैं नरेला से सर, गुड़गांव, कभी कभी गुड़गांव जाना पड़ता है सर, तो कभी मतलब फरीदाबाद जाना पड़ता है, तो वहां से जो गाड़ी पकड़ता हूँ सर नरेला से जागीरपुरी, जागीरपुरी से मेट्रो पकड़ के सर 60 रुपया वो किराया लगता था, 15 रुपया सर वो 75 रुपया, और उसके बाद 85 रुपया सर, मतलब 150-250 रुपया किराया रोज का लग जाता सर मेरा, जो कभी खाना पीना उसमें मेट्रो और बस और अलग अलग बसों में जाते थे तो पास का भी सिस्टम नहीं हो सकता, सिस्टम नहीं होता, अब तो सीधे पैसा बच जाएगा सर मेरा, जो सर माउंड 35-36 रुपये महीना बच जाएगा। बहुत बढ़िया। और आप पीछे पीछे भाई इनको दे दो। सर मेरा नाम राजकुमार है, मैं पेंटर हूँ। अच्छा सर, मैं सुल्तानपुरी से सेक्टर द्वारका 21 में जाता हूँ, मुझे 3-3 बस पकड़नी पड़ती थी, कोई समय ऐसा होता था कि पैसे नहीं होते थे, उसके कारण 300-350 की दिहाड़ी टूट जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपने इतनी दिल्ली सरकार ने मदद कर दी है हम गरीब मजदूरों की, हमारे घर का चूल्हा काफी पैसा खर्च हो रहा था बस में, है ना, ये तो अच्छी बात हो गई। और कहीं से कोई कुछ बोलना? सर मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सुविधा का सर, इससे बहुत मेरे को फायदा होगा क्योंकि कन्वीनियंस